वीडियो डालने वाला हूं दोस्तों, एक छोटा सा ब्लॉग। ये देखिएगा, हमारे परम मित्र जय सिया राम ग्रुप के एक सदस्य, छोटा परिवार हमारे सदस्य रिंकू जायसवाल भैया, जिनका जो है जन्मदिन है, उसकी शुभकामनाएं हम तो देते हैं साथ में सभी ग्रुप के साथ। और वैसे तो हम लोग पता भी नहीं था कि यहाँ ऑर्गेनाइज कुछ किए हैं ये, और हम लोग खुद केक वगैरह मंगा के छोटा सा जो है सोचे थे पार्टी करने के लिए, लेकिन इन्होंने सरप्राइज जो है अलग से दे दिया। अचानक आज आगे हम लोग इनके लिए एक बार तालियां दो सभी जय सिया राम की तरफ से, इनको जो है फिर से शुभकामनाएं। तो दोस्तों एक छोटी सी जो है क्लिप बनाएंगे और देखिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा, और हम इंतजार करेंगे उसका। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाइएगा। रिंकू भैया को विश कर दीजिएगा। पाई जुटा कर हाँ और ये पाई जुटा कर आज हम लोगों ने केक मंगवाया है। दो दो जो है सभी लोग बोलिए उसमें। तो जन्मदिन की जो है रिंकू भैया को हार्दिक शुभकामनाएं। पाई जुटा कर आज हम लोगों ने केक मंगाया है जिनकी जन्मदिन के लिए। हाँ मंगाए। अरे देव ने मंगाया भाई। हाँ जेपी जी अभी बताएंगे अपने जो है दिल के अरमान को सामने बाहर निकालेंगे। आज जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है केक है उसके बाद रात का खाना भी है, और काफी हम लोग जो है खुशी का माहौल है। भैया ये संदीप भाई चिंटू भैया अपने दिल के अरमान को। मैं बड़ा रात से बेचैन था उनका बर्थडे मनाने के लिए रिंकू भैया का, और अंततः हुआ घड़ी आ गई जब हम जाकर भैया का बर्थडे केक काटे और उनको हर्षोल्लास के साथ मनाए। इसमें लेट हमारे रोहित भाई ने कर दिया, हम लोग लाख मना करने के बाद इन्होंने खाने का जो आयोजन किया है बहुत भव्य आयोजन देखने को लग रहा है। हेलो गाइस, अपने बगल पर आते हैं हमारे गौरव जी, कृषि वैज्ञानिक गौरव जी बताएं दो सब रिंकू भाई के लिए दो सब। सबसे पहले अरे मास्क कटाइए, ये क्या बात है। सबसे पहले बड़े भाई को 18 दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये सदैव उसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहे, और बारम्बार ये शुभ घड़ी आए जैसा जेपी भैया ने कहा कि भोजन और सबका प्रबंध अभी टाइम लगेगा। हाँ अभी अपने पापा के विश करो। हैप्पी बर्थडे पापा। तो आप इंटरेस्टिंग जो है वीडियो देखना है आपको तो इनके ग्रुप को ज्वाइन करिए आप, और आगे देखते हैं इनसे बात क्या करना चाहेंगे आप भाई। कुछ काम थोड़ा ही हटा करके फिर दिखाइए।
हाँ ये बीती शेयर मार्केट की तरह नहीं शेयर मार्केट में रिस्क होता है। अच्छा रिस्क है तो इसका सोनू अरे कुछ बधाई बधाई दीजिए भाई। अरे मार्क्स करिए एक मिनट साले देव सुनना नहीं है आप लोग नहीं आए मुझे पता नहीं था कि जन्मदिन पे आना है क्योंकि सब लोग आए इसलिए मैं भी आया हूँ और इस जन्म दिवस समारोह का हिस्सा बना हूँ। गिफ्ट पकड़ाई भाई बर्थडे बॉय का धन्यवाद। तो दोस्तों बड्डे बॉय हमारे बीच में हैं अभी इनसे पूछते हैं कुछ सवालात और पूछते हैं मन में उमंग और अपने जो है लाइफ के इतने समय जो गुजारे हैं कैसा गुजरा और लाइफ में अगला आने वाला समय कैसा गुजरेगा उसके बारे में इनका अनुभव के बारे में पूछेंगे। भैया बताना चाहेंगे कुछ बताना यही चाहेंगे जो लाइफ गुजरा वो बहुत बढ़िया गुजरा जो आगे आने वाला लाइफ है वो भी अच्छा आएगा। अरे आप लोग का सहयोग से बढ़िया लाइफ चलता रहेगा और आप छोटे और बड़े भाई आने के लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह और बताइए क्या क्या उपलब्धि है बताइए भाई उपलब्धि बताइए। ये हमारे पुत्र हैं जरा इनसे दो इनका नाम हम सब बताइए अपना इंट्रोडक्शन दो भाई क्या नाम है सॉरी अपना मेरा नाम ये है मेरे पापा ये है नाम सब पापा का नाम धीरज है। हाँ मेरे पापा का नाम धीरज है मेरी मम्मा का नाम छोटा है मेरा नाम सॉरी। अरे वाह वेरी गुड कौन सी क्लास में पढ़ते हो वन में। अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी कुछ ही पलों में हमारे बीच में रहेगा दिखेगा अभी केक और कटते हुए और काटने वाले बर्थडे बॉय हमारे बीच में खड़े ही हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। जय सियाराम। अभी खत्म हो गए डांस तो कर लो यार पहले तो बाहर है। अरे नहीं आज माइक की आवश्यकता लग रही थी यार माइक रहा था तो भगत भाई इतना गाना गा रहे दोस्तों इस ब्लॉग में एक जानकारी दे रहा हूँ जो अगली वीडियो में डालूंगा गाड़ियों का उसमें एक गाड़ी होगी भैया की जो कि सीएनजी वैगनार मारुति सुजुकी की है इसके बारे में ये अपना ओनर रिव्यू भी देंगे उसका टेस्ट ड्राइव करके और रिस्पांस सबको सब कुछ बताएंगे। आप लोग वैगनार लेना चाहते होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ओनर रिव्यू बहुत मायने रखता है तो आप लोगों को बताएंगे 10-12 हजार किलोमीटर चल चुकी है इनकी गाड़ी तो इसका भी वीडियो जानने वाले। चलिए दोस्तों सियाराम ग्रुप के एक नए मेंबर हमारे बीच में शुभम दीक्षित और दो शब्द बोलना चाहेंगे जो बताइए भैया जिनको भैया का जन्मदिन है जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए हुए हैं केक कटने जा रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगा हुआ और बहुत ही अच्छा दिन है हम लोग के लिए और बाकी तो आप अजीत भैया का ब्लॉग देख ही रहे हैं बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाते हैं और हमें लगता है जल्दी अभी अनुभव कमी है जल्दी जल्दी फ्लाइंग डिश की तरह वो बेबी लोन में आप लोगों का बेबी नीचे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब केक कटने वाला है रिंकू भाई काटने जा रहे हैं तो इनकी एज 42वां है भैया कितना 41 है।
रोहित पकड़े चले, रोहित कहाँ गए? इधर भैया कौन नहीं बधाई दिया, जरा दे दीजिए। हाँ अच्छा, प्रवीण हाँ, तो प्रवीण जी बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? भाई जसवाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद पहले इनवाइट करने के लिए। हाँ, दूसरी बात है भाई उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये पहले रात दोगुना तरक्की करें। तो दोस्तों ये पहले पर्सन थे जो कि इनवाइट है, इनवाइटेड पर्सन ये पहले हैं ऑफिशियली। वैसे तो हम लोग जो है जय सियाराम ग्रुप मेंबर की वजह से जबरदस्ती आ गए। अच्छा, हम लोग जो है वैक्सीन तो सभी लोग लगा लिए हैं। अब ये सुनिए थोड़ा सा हमारे सोनू पांडे जी कुछ कहना चाहेंगे विशेषज्ञ। हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ सदस्य कोविशील्ड वाले हैं और कुछ सदस्य कोवैक्सीन वाले हैं और कुछ बात हम देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन बेहतर परिणाम दे रही है, उसका रिजल्ट आप सबको पता चलेगा। वो सब दिनों बाद पता चलेगा। तो दोस्तों पार्टी किटी पार्टी बहुत अच्छी रही बर्थडे की, और ये वीडियो तुरंत अपलोड कर रहे हैं हम लोग। तो सभी लोग एक साथ बोले जय सियाराम।